Majority of youngsters are also losing their lives due to this careless attitude of their, due to this show of attitude of their, majority of youngsters are losing their lives. I'll tell you a simple example of my classmate who is just of my age. Due to rash driving, he met a road accident. His entire brain is being bummed up. And now he is being paralyzed and in coma. So this is the reason, just due to a lack of your carelessness, this careless attitude, this show of attitude has been endangered and ruined your entire life. So it would be my request, heartfelt request, girls will get impressed by you and your nature. Okay, so there is no thing to drive rashly and show off the world that you know driving, or you are being cool dude, or you are being handsome, or to grab attention. You are losing the attention from the road, and you are, you know, totally endangering your life. So you need to be very, very, very careful regarding yes. this. And secondly, there was a question when I met Mother India Cares founder Dr. Rajendra. So when he discussed his concept, I said it's a wonderful concept. Okay, but what are the circumstances that are not allowing people to help other people who has met with the road accident? This is the basic question in everyone's mind. कि अगर कोई सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो लोग क्यों उसकी मदद करने नहीं आते हैं? And what is the basic answer we all get? कि कौन पुलिस के लफड़ों में पड़े? This is the basic. Okay. So when I asked him the same question, so he said कि there is a law कि अभी जो भी रोड एक्सीडेंट होता है, उसको कोई पुलिस की पूछताछ नहीं होगी. In fact, he will be felicitated with the awards and all. And that is what Mother India Care is doing. Those people who are helping people who have been suffered from road accidents, and those who have helped such people, Mother India Care is being felicitating them. क्योंकि ज्यादातर लोगों को माइंड में ये होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमें क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, कहीं कुछ लफड़े में ना पड़ जाए. बट मदर इंडिया केयर ने ऐसे लोगों की सोच बदल दी है. वो फेलिसिटेट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो हेल्प कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, है ना. लेकिन सिर्फ ये अभी भी लैक ऑफ अवेयरनेस है जो मेरे जैसे भी बहुत लोगों के अंदर थी, कि अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हम पुलिस के लफड़े में पड़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. आप कोई लफड़े में नहीं पड़ने वाले हैं, ठीक है. सो विदाउट हैविंग अ फियर ऑफ इट इन माइंड, प्लीज हेल्प पीपल. किसी ना किसी का भाई है, बाप है, बेटा है, किसी ना किसी की बहन है, बाप है, बेटा है. ओके, सो प्लीज बी वेरी 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 केयरफुल एंड प्लीज अलर्ट योर माइंड. जितने भी प्रेस वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम सबको आपकी यही मदद चाहिए कि हम एक अवेयरनेस फैला सके कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई लफड़े में नहीं पड़ने वाले हो. ओके, सो प्लीज बिना डरे हेल्प करना सीखो. मैंने देखा है ये सिंपल सी, कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है लोग आजू बाजू गैदर होते हैं तमाशा देखने के लिए. एवरीवन हैज बीन गैदर्ड बट नो वन हैज द करेज टू हेल्प. ओके, इफ यू डोंट वांट टू हेल्प, बट दिस कैन बी अ वेरी सिंपल, यू हैव टू कॉल 108. वो भी बहुत लोग कम करते हैं. एवरीवन इज जस्ट स्टैंडिंग एंड लुकिंग टू बॉडी टू द पर्सन, नॉट दे डोंट वांट टू हेल्प. सो सी, from this press conference we just want to create a awareness among people, among the road users, that we should help without thinking of anything. ek maine bahut achhi story suni thi ki kisi ne bhagwan se pucha ki bhagwan aapko avatar lene ki zarurat kyu padti hai. ठीक है, वो चाहे तो किसी को भी ऑर्डर दे सकता है कि उसके बच्चों को बचाओ, इतने सारे लोग हैं, तो क्यों उसको अवतार लेने की जरूरत पड़ती है. तो एक बहुत अच्छा रिप्लाई आया था कि जब भी कोई बच्चा उसका मुसीबत में होता है ना, तो भगवान ये नहीं सोचता कि आजू बाजू कौन है, वो खुद ही आता है उसकी मदद करने, है ना.
तो हमें लोगों की जिंदगी में एंजल्स बनकर काम करना है। आज एंजल्स बनकर हम ये एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, तो जरूर इससे हमारा कुछ अच्छा पॉजिटिव अवेयरनेस मैसेज जाना चाहिए, ताकि हर कोई पर्सन जिसके अंदर भगवान बैठा हुआ है वो दूसरों की मदद करना सीखे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल। एंड टू ऑल द रोड यूजर्स, प्लीज कोऑपरेट विद पुलिस। आप जानते नहीं हैं, आई हैव बीन इनटू प्रेस लाइन फ्रॉम 5 इयर्स। ट्रस्ट मी, काफी सारे पुलिस वाले आके मुझसे ये कहते हैं कि मैडम, हम जब रोकते हैं किसी को, जब उनको वो करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो गालियां देने लग जाते हैं लोग कि तू जानता नहीं, फोन करवाते हैं, गालियां देते हैं या क्या। इवन इन कोरोना टाइम, इफ एवरीवन वाज आस्क्ड टू वियर अ मास्क, ओके, और मास्क बिना उनको कुछ फाइन लगाने होते हैं, बट दैट पुलिस गाय टोल्ड मी कि मैम, हम कैसे रोके, यहाँ ट्रैफिक ही बेकाबू हो रही है, तो हम कैसे रोके। देखिए, गवर्नमेंट सर्विसेज में भर्तियां कम हो रही है, कैपेबिलिटीज कम है, इस पोस्ट को हासिल करने के लिए, ट्रैफिक पोस्ट को, बहुत सारी कड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारे एग्जाम्स पास करके आपको एक पोस्ट मिलती है, तो वो ट्रैफिक पुलिस की भर्तियां काफी कम होती है। कम है लोग हमारे शहर में, ज्यादा नहीं है, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, ट्रैफिक के लिए लोग कम है, पुलिस वाले कम है, तो हमारा एज अ सिटीजन फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें, उनको कोऑपरेट करें, उनको गालियां नहीं दें। अक्सर शिकायतें होती है लोगों को कि पुलिस ब्राइब लेती है, रिश्वत लेती है, 100-200 लेके छोड़ देती है, लेकिन जब वही पुलिस अपना फर्ज निभाती है, ठीक है, तब हम उसको गालियां देने लग जाते हैं। सो एज अ रोड यूजर, इट इज अ ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरीवन, वेदर ही इज अ पुलिस, वेदर ही इज अ प्रेस पर्सन, वेदर ही इज अ मिनिस्टर, वेदर ही इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड वेदर ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ईच एंड एवरीवन, रूल्स आर सेम फॉर एवरीवन एंड दे हैव टू फॉलो। अगर सिग्नल है तो प्रेसिडेंट की भी गाड़ी रुकनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की भी गाड़ी रुकनी चाहिए, प्रेस की भी गाड़ी रुकनी चाहिए, किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए। रूल्स आर इक्वल एंड सेम फॉर एवरीवन, और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जनता की मदद करने के लिए है, उनसे मदद मांगने के लिए नहीं है, ठीक है, और मदद दोनों तरफ से इक्वल होती है। हमको भी पुलिस से कॉपरेट करना पड़ेगा, उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप जानते नहीं है, बहुत कम पगारों में पुलिस वाले काम करते हैं, अपना फर्ज निभाते हैं, तो प्लीज सारे रोड यूजर्स अपना फर्ज समझकर पुलिस की मदद करें, देश की मदद करें, और लोगों को बचाना सीखें। धन्यवाद। Ma'am, I want to say something. Yes. Be alert, be safe.